नहीं जैसे को तैसे हमने नहीं, हम क्या बेवकूफ हैं? हमने डर लगता है क्या? हम इस देश के वासी हैं, खट्टर पाकिस्तान से आया, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी खून, हमारी जो रगे हैं वहाँ भगत सिंह का खून बहता है। जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए संयुक्त मोर्चा ने आह्वान कर दिया ना, 2 मिनट के अंदर इस सरकार को सड़क पे लाके पिटेंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी मजबूरियां हैं। संयुक्त मुख्यमंत्री ने यह भी कहा जमानत में खुद करा लूंगा। जो नमी है, नमी के मापदंड किए हैं गवर्नमेंट ने, वो कम है और नमी ज्यादा है, खरीद नहीं हो पा रही। इसको समझता तो देखो आप एक बार, उसको देख ले, जब एक आम आदमी इस परीक्षा की कोई मतलब घटना होती है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, धाराएं भी लगाई जाती है, क्या मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान दिया? मैं कहना चाहूंगा कि ये अंधी बैरी गूंगी तानाशाही सरकार है। एक आदमी पर तो अगर वो थोड़ा भी गलत बोल जाता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारे सरसा में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जींद के किसान भाई पर मुकदमा दर्ज किया देशद्रोह का, और करनाल के अंदर किया। और एक मुख्यमंत्री जो एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, एक पब्लिकली लोगों को बुलाकर अपने वर्करों की मीटिंग बुलाकर ये कहता है कि आपस में लड़ाने का काम करता है, और एक इस प्रकार का बयान देता है जिससे समाज के अंदर तोड़ने की बात होती है, तो ये बड़ी अशोभनीय बात है। इसलिए मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का भी और भड़काऊ बयान देने का भी। बिल्कुल, अगर यूपी के अंदर इस SIT गठित नहीं की गई सरकार ने और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जल्दी, हरियाणा से पंजाब से पूरे देश का किसान यूपी पहुंचने का काम करेगा, सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, झुकाने का काम करेगा। और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अब हमारा सबर का बांध टूट चुका है, इसलिए अब हम कहना चाहेंगे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहेंगे, क्योंकि ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता कि जैसे को तैसा, इसलिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा में भी जवाब देना चाहते हैं। या तो सरकार इस प्रकार का अंकुश लगाए, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का भाषणबाजी या बयानबाजी करता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम करे, कार्रवाई करने का काम करे और संज्ञान लेने का काम। आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम तो हमारा आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, हमने अनुशासन से और शांति से आज हमने DC ऑफिस का घेराव किया और उसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन DC को सौंपा। अगला कदम जैसे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले पर फूल चढ़ाएंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। आजाद जी, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जेल में जाओ लीडर बनो, कितना सही मानो आप? ये ओछी मानसिकता है मुख्यमंत्री की। क्या आपस में लोगों को लड़ाकर, आपस में खून खराबा कराकर, क्या यही मुख्यमंत्री की यही नीति और नियत है कि, या क्या इसी प्रकार के BJP की क्या यही एजेंडा है कि जो आपस में लड़ाकर और लठ भजवा कर जेल में जाकर, जो जेल में जाएंगे क्या वही मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे? ये अच्छी मानसिकता का है, अच्छी सोच नहीं है। DC साहब ने कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल, DC साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जो आपका मांग पत्र है वो राष्ट्रपति महोदय को भिजवाने का काम करूँगा, ये हमारे को आश्वासन। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? आगे संयुक्त किसान मोर्चा का जो कदम होगा उसी के अनुरूप हम कार्य। आज का जो ज्ञापन था, हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था जो हमें DC के माध्यम से दिया गया था, जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। संयुक्त मोर्चे ने कहा था हर DC, हर जिले के DC का घेराव करो और DC को समझाने की कोशिश करिए कि आप अपने एक क्षेत्र में जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा की सेवाएं वो बहाल रखे, जो हमारा लखमीपुर में जो हमारा नरसंहार हुआ है, हमारे 7 से 8 लोगों की शहादतें हुई हैं, उस पर कार्रवाई हो, वहाँ की योगी सरकार को भी चेताए। और जो कल खट्टर साहब का बयान था कि भी 700-800 लोग इकट्ठे हो और लाठी लो, तो हम ये बताना चाहते हैं आप यूपी वाला इतिहास यहाँ दुराने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। क्योंकि इन लोगों ने ये सोच रखा है ना, हमने चूड़ियाँ डाल रखी, हमने चूड़ियाँ हमारे घर के लिए डाल रखे हैं, शासन और प्रशासन के लिए नहीं। इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, जब देश का मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी अच्छी पोस्ट पे होते हुए ये बयान है, तो हम शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहाँ गई वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ?
कहाँ है ये सरकार? ये सरकार नहीं, ये तालिबानी की सरकार है, जो ये कहते थे तालिबानी है। तालिबान कमांडर हमने करनाल में मिला था और योगी ने तो बिल्कुल नरसंहार कर दिया। ऐसी हालात पैदा कर दिए इस देश में, इमरजेंसी जैसे हालात है, अघोषित इमरजेंसी है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कृपा करके यदि आप पे ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन नहीं संभल रहा, तो आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए, हमारे देश को छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसा ना हो कि ये बेटियां घर परिवार छोड़ के आपकी जान लेने के लिए रोडों पे उतर आए। जय जैसे को तैसे, हम का ऐसा बयान नहीं, जैसे को तैसे हमने नहीं, हम क्या बेवकूफ हैं? हमने डर लगता है क्या? हम इस देश के वासी हैं, खट्टर पाकिस्तान से आया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी खून, हमारी जो रगे हैं वह भगत सिंह का खून बहता है। जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए संयुक्त मोर्चा ने आह्वान कर दिया ना, 2 मिनट के अंदर इस सरकार को सड़क पे लाके पिटेंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी मजबूरियां हैं। संयुक्त मोर्चे ने यदि एक आह्वान 12 बजे भी कर दिया, इनकी कोठियों से घेर के इन लोगों को हम रोड पे लाके इनके औकात दिखाने का काम करेंगे। हमारी मजबूरी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है संयुक्त मोर्चा। जिस तरह से आज रोड जाम किया गया, क्या सभी रोड को नहीं? देखो, संयुक्त मोर्चा का कोई आह्वान नहीं था, पर जो हमारे अंदर एक दर्द लगाओ, जलन लगाओ, मतलब कुछ भी लगाओ, जो हमारे अंदर ऐसा लग रहा है भाई 9 लाशें हमारे दरवाजे पे हैं, तो लोग क्या करेंगे? रोड जाम कर सकते हैं। हम उनकी तरह हत्यारे नहीं कि हम किसी की हत्या करें या किसी को बंदूक मारे या किसी को गाड़ी चढ़ाएं। और यदि ऐसा कोई वक्त आया तो हम आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, जो MLA MP है उन्हीं का इलाज करेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।